मुझे महात्मा गांधी की बहुत याद आई। मेरे जन्म से पहले अगर महात्मा गांधी को ये पुरस्कार मिलता तो ये पुरस्कार का सम्मान और ऊंचा होता। कुछ इस तरह से प्रतिक्रिया दी बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी ने। बचपन बचाओ आंदोलन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संगठन है। 1980 में उन्होंने बच्चों के लिए काम करने वाली सिविल सोसाइटी की पहली संस्था बचपन बचाओ आंदोलन की नींव रखी। कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ आंदोलन ने 80,000 गरीब बच्चों का जीवन बदल दिया। सत्यार्थी ने इस योजना से यह भी निष्कर्ष निकाला कि बच्चों के शोषण के पीछे कठोर सच्चाइयां हैं। बाल मजदूरी, अशिक्षा और गरीबी का एक जो रिश्ता है वो एक त्रिकोणात्मक रिश्ता है, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड चाइल्ड लेबर। ये तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के कारण दूसरा और दूसरे के कारण पहला चलता है। बचपन बचाओ आंदोलन भारत के 15 प्रदेशों के 200 से अधिक जिलों में सक्रिय है। इसमें लगभग 70,000 स्वयं सेवक हैं जो लगातार मासूमों के जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए कार्यरत है। सत्यार्थी ने कहा कि वे बच्चों के अधिकारों के लिए मलाला यूसुफजई के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हमने उनसे कहा कि मलाला, हम लोग भारत पाकिस्तान में प्राथमिक तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर पीस फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन फॉर पीस, बच्चों के लिए शांति और शांति के लिए बच्चे, अमन के लिए बच्चे और बच्चों के लिए अमन, ये मुहिम भी शुरू करें। संस्था गांव में बाल मित्र ग्राम नाम से योजना भी चलाती है जिसके तहत बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया जाता है और उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। यह संस्था जरूरत पड़ने पर कानून का सहारा भी लेती है। आज भी देश के कई ऐसे बच्चे हैं जो तस्करी के शिकार हैं और बाल मजदूरी करने को अभिशप्त हैं। ऐसे में कैलाश सत्यार्थी को मिला यह सम्मान बाल मजदूरी को हटाने में मील का पत्थर साबित होगी। अशोक मर्तोलिया, DD News, दिल्ली।